दोस्तों आज के समय में हर व्हीकल में, वो चाहे कार हो, बस हो या फिर कोई और वाहन, सभी में पावर प्रोड्यूस करने के लिए इंजन का उपयोग किया जाता है। मेनली दो तरह के इंजन का ही उपयोग होता है, वो है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। दोनों ही तरह के इंजन का वर्किंग मैकेनिज्म लगभग एक जैसा होता है। केवल पेट्रोल इंजन में कंबर्शन के लिए स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में कंबर्शन के लिए प्रेशर का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये इंजन फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इंजन बनाने के लिए सबसे पहले पिघले हुए एल्यूमिनियम या लोहे को एक मोल्ड में डालकर इंजन की बॉडी तैयार की जाती है। उसके बाद इंजन की बॉडी को मोल्ड से बाहर निकालकर कटिंग मशीन की मदद से एक्स्ट्रा पार्ट को अलग किया जाता है। साथ ही में इंजन के सिलेंडर को स्मूथ किया जाता है, जिससे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में घर्षण कम हो। उसके बाद एक वर्कर इस इंजन ब्लॉक की अच्छी तरह से जांच करता है। अब अगली प्रोसेस में इंजन की क्रैंकशाफ्ट को तैयार किया जाता है। इसके लिए एक कंप्यूटर गाइडेड मशीन स्टील की रॉड को पहले से निर्धारित पैटर्न में काटती है। उसके बाद अब इस क्रैंकशाफ्ट की स्टेबिलिटी की जांच की जाती है। क्रैंकशाफ्ट का स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इंजन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा, जो कि सही नहीं होगा। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट को इंजन ब्लॉक पर असेंबल किया जाता है। अब अगली प्रोसेस में पिस्टन को एक विशेष प्रकार के टूल की मदद से सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद पिस्टन्स को क्रैंकशाफ्ट के साथ में अटैच किया जाता है। अब अगली प्रोसेस में एक रोबोट इंजन के सारे स्क्रू को टाइट करके इस इंजन को पैक करता है। उसके बाद इस इंजन में एग्जॉस्ट पाइप और बहुत से छोटे बड़े कंपोनेंट असेंबल किए जाते हैं। उसके बाद इस फुल्ली असेंबल इंजन को टेस्टिंग रूम में भेजा जाता है, जहां इस इंजन को इसकी पूरी क्षमता पर चलाकर इसके वाइब्रेशन तथा आरपीएम की जांच की जाती है। जांच प्रक्रिया में पास हो जाने के बाद अब यह इंजन बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।